संकेसना सारंगपुर गामना सरपंच यूपी बिहार ना लोगों ने तुम आते ही क्यों होना मैना तोड़ा मारिया होना आक्षेप करवामा अभी रहे छे। हाल तो लॉकडाउन चालू छे अने त्रीजा तबक्काना लॉकडाउन मा लोकोने वतन जवानी मंजूरी आपवामां आवी छे। त्यारे आज रोज सारंगपुर गाम खाते केटलाक अपार प्रांतीय लोको पंचायत कचेरी उपर गोरखपुर जवा माटेनी पूछपरछ करवा माटे गया हता। आ दरमियान गोरखपुर जवा माटे वतननी पूछपरछ माटे गयेला परप्रांतीय लोको साथे सरपंच महेंद्र वसावाए कंक मेणा तोणामां वात करी होवानो आक्षेप स्थानिक लोको करी रह्या छे। सरपंच द्वारा एवा मेणा माणवामां आव्या हता कि आप लोग यूपी बिहार से आते ही क्यों हो, तेम कहीने जेम तेम बोलवामां आव्यु होवानो गोरखपुर जनारा परप्रांतीय लोकोना मददगार द्वारा आज आक्षेपो करवामां आव्या हता। आम सारंगपुरना सरपंचे मेणा तोणा मार्या होवानो परप्रांतीयो कही रह्या छे। हम दोनों जन आज सारंगपुर पंचायत गए थे देखने के लिए कि पंचायत में किस तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा है। रोज़ जाते हैं एक आध दिन कि अपने उत्तर भारतीयों की किस तरह से सेवा हो रही है, हम भी सेवा में लगे रहते हैं। आज भी हम उसी तरीके से गए थे पंचायत, 5-10 मिनट बैठे और वापस आने लगे तो वहाँ पे बाहर जो गार्ड बैठी रहती है मैडम है, उन्होंने बुला के बोला कि जरा इस आदमी को देखो क्या समस्या है, इनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है इनकी बात, जरा इनकी बात सुनो। तो हम 2 मिनट उस आदमी के पास जाके खड़े हुए और उनको पूछा कि भाई आपको क्या तकलीफ है। तो जब पूछा तो उन्होंने बताया हमें गोरखपुर जाना है, मैं पिछले 3-4 दिन से परेशान हूँ बराबर, और ऐसी ऐसी बात है, मेरे को टिकट मिल नहीं रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है अच्छा हम बात करते हैं। तब तक वहीं पे विकास बसावा बाहर दिखा हमें, तो हमने विकास को बुला के रिक्वेस्ट किया कि भाई ये भाई 2-3 दिन से परेशान है, इसे टिकट नहीं मिल रहा है, तो इसका कुछ रिक्वेस्ट है हमें कुछ कर देना ताकि इसको आगे तकलीफ ना हो। तो ये बात बोल के हम यहाँ से चले आए। फिर थोड़ी देर बाद बंटी के पास माहिम जो महेंद्र वसावा यहाँ के सारंगपुर पंचायत के सरपंच है, उनका फ़ोन आता है और वो ऐसा कहते हैं कि तुमने क्या बोला है इनको, ये बोल रहे हैं मैं काम बराबर नहीं करता हूँ ऐसा ऐसा। तो हम बोले आप 5 मिनट रुको, हम फिर से आते हैं पंचायत में। हम दोबारा यहाँ से पंचायत गए हैं, फिर पूछा है, विकास को बुलाया भी गया है लेकिन विकास रुका नहीं है, विकास वहाँ से चल गया है। बातों बातों में ही माहिन सरपंच ने हमें ऐसा बोला है कि आप यूपी बिहार से लोग यहाँ पे आते ही क्यों हैं।